Crime and Bollywood, a brand new series, starts June 24th, 9:30 p.m. only on Zoom, 100% Bollywood. नरगिस का राज कपूर की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से दूर जाना इस शोमैन की जिंदगी का एक ऐसा पहलू था जिससे राज कपूर कभी उभर नहीं पाए। हालांकि इनके लेजेंडरी रोमांस का अंत भी इन दोनों के लिए एक नई शुरुआत थी। नरगिस को आगे जाकर साथ मिला सुनील दत्त का और राज कपूर को लिंक अप किया गया कई को स्टार्स के साथ, जिनमें से एक अहम नाम था विजयंती माला। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। ये वैजयंती माला की खूबसूरत आंखों का असर था या फिर उनके चेहरे के उस खूबसूरत काले दिल का, ये बात सिर्फ राज कपूर ही जानते थे। वो चाहते थे कि वैजयंती माला उनकी नेक्स्ट फिल्म में एक अहम भूमिका निभाएं, पर उन दिनों वैजयंती माला दिलीप कुमार के साथ ज्यादा फिल्में करती थीं एंड राज कपूर वांटेड टू मेक हर अ पार्ट ऑफ द आरके बैनर। ऐसा करने का मौका उन्हें तब मिला जब वो उसी प्लेन में सफर कर रहे थे जिसमें वैजयंती माला भी थीं। दोनों ने एक साथ दो फिल्मों में काम किया, नजराना और संगम। मगर फिल्म वर्ल्ड के इस प्रोलिफिक फिल्म मेकर की किस्मत में वैजयंती माला के साथ संगम लिखा था या नहीं, ये खुद उन्हें भी नहीं मालूम था। वो तो महज उम्मीद कर सकते थे, सवाल कर सकते थे। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। Initially she said no, but then she could also not resist Raj Kapoor's persistent wooing, you know. And finally she said hoga hoga, you know, that the milan happened. So all that was there very much. You know, Raj Kapoor is a bit autobiographical in making certain statements. The Raj Kapoor Vajanti Mala affair, I think, is part of history now. The famous incident where Krishnaji walked out with all her kids and came and stayed in Nataraj Hotel. Plus, the fact that after the book came out, Vajanti Mala's book came out denying that as a relationship, Rishi Kapoor retaliated. It's very rarely that a son would say that there was an affair, Raj Kapoor aur Vaijanti Mala ka alleged link up bhi short-lived tha. After all, there was no way Raj Kapoor was going to marry her. शायद यही वजह है कि आगे चलकर वैजयंती माला ने राज कपूर से सारे बंधन तोड़कर उन्हीं के फैमिली फिजिशियन से शादी कर ली। There must have been something for a while, but it was not very long lasting. And it came to a very dignified conclusion, and I think all my father's romances were all they ended all in a very peaceful and a very harmless manner.